तो ये जो एक्शन कैमरा है इसके नाम के आगे आज का दिन काफी ज्यादा गर्म है, काफी ज्यादा गर्मी है आज। ओके, ये हमारे नए सब्सक्राइबर है। घड़ी हो चुकी 11:50 पर, आपको पहुंच चुकी YouTube चैनल वेगा व्लॉग्स पर और हम लोग है चंडीगढ़ में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय YouTube चैनल वेगा व्लॉग्स। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अभी अपने को जाना है आई स्पेशलिस्ट के पास अपने आई चेकअप के लिए, क्योंकि अपने को करना है ऑर्डर नया स्पेक्स हमारे लिए लेंस कार्ड से। तो अभी वहां पे चलते हैं और बाकी की बातें चलते चलते करते हैं। तो आज और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज का दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और अभी हम जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट के पास अपने आई का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपने को ऑर्डर करना है लेंस कार्ड से अपने लिए नया स्पेक्स। और जो पहले मेरे पास स्पेक्स था वो जीरो पावर का था, जीरो पावर का मैं स्पेक्स यूज़ किया करता था। और उस टाइम पर जब मैंने आई चेकअप करवाया था अपना, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत नंबर है बट आपकी आईज़ में पेन नहीं है, तो आपको नंबर की ज़रूरत नहीं है, अभी आप जीरो पावर का यूज़ करो। तो इसीलिए मैं जीरो पावर का यूज़ कर रहा था, लेकिन वो वाला जो स्पेक्स है वो टूट चुका है, कुछ टाइम हो गया उसको टूटे हुए और नया बनवाने का अपने पास टाइम लग नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली टाइम निकाल ही लेते हैं और स्पेक्स ऑर्डर कर देते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना, जब हम नया स्पेक्स ऑर्डर करने के लिए जा ही रहे हैं तो क्यों ना साथ में अपना आई चेकअप भी करवा ही लें। और वैसे ये जो आई चेकअप का जो फैसिलिटी है ये अपना लेंस कार्ड के स्टोर पे भी अवेलेबल है, और चंडीगढ़ में लेंस कार्ड के स्टोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर 5-6 किलोमीटर के अंदर आपको एक नया लेंस कार्ड का स्टोर मिल जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि जब अपने को आई चेकअप करवाना ही है तो क्यों ना स्पेशलिस्ट के पास चले, एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा अपने को। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोगों ने आई चेकअप करवा लिया है डॉक्टर से और अभी हम लोग जा रहे हैं लेंस कार्ड हमारे लिए नए स्पेक्स का ऑर्डर करने। सो अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं लेंस कार्ड से, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया हमारे लिए नया स्पेक्स जो कि आ जाएगा 3 दिन के अंदर। और अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 22 हमारे नरेंद्र भाई के पास। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, नरेंद्र भाई वही है जिनसे हमने हमारा व्लॉगिंग कैमरा परचेज किया था, और कैमरा के बारे में भी उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था। नहीं, मैं तो सोनी का कोई Alpha Mark 5 लेने जा रहा था, जो होता है ना छोटू सा हैंडी कैम, वो लेने जा रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको कैमरा चाहिए, व्लॉगिंग कैमरा देख रहे हो तो ल्यूमिक्स का G7 परचेज करो, काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा निकला भी। और एक्शन कैमरा के बारे में अपने को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उनके पास ही जा रहे हैं कि उनसे सजेशन ले सके कि हमको कौन सा एक्शन कैमरा परचेज करना चाहिए। और ये वाला जो एक्शन कैमरा है ये मैंने नॉइस का परचेज किया था, जिसको काफ़ी टाइम हो गया है और नॉइस ने एक्शन कैमरा बनाने बंद कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो एक्शन कैमरे के बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और मैंने तो नाम भी GoPro का ही सुना एक्शन कैमरा में कि कोई कंपनी होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उनसे सजेशन ले लेते हैं। और इस वाले कैमरा में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है इसका, और क्योंकि ये कंपनी कैमरा बनाना बंद कर चुकी है इसीलिए इसका हम नया एक्सेसरी भी नहीं परचेज कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अपग्रेडेशन पे जाते हैं और नया एक्शन कैमरा परचेज करते हैं, नया एक्शन कैमरा परचेज करते हैं। और बेसिकली मेरा कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप लोगों को तो मालूम है कि मैं 4K में तो वैसे भी शूट करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करता 4K एडिटिंग तो इसीलिए मुझे फुल HD 1080p में ही चाहिए। और जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो एक्शन कैमरा मैं परचेज करने जा रहा हूँ वो बस वाटरप्रूफ होना चाहिए, और उसमें एक्सटर्नल माइक की मुझे फैसिलिटी चाहिए, ताकि ये जो साउंड रिकॉर्ड है इसके लिए हमें इस तरह से कुछ जुगाड़ ना करना पड़े कि ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है मोबाइल में और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है हमारे इस कैमरा के थ्रू, और फिर बाद में एडिटिंग के टाइम पे बैठे रहो सिंक करने के लिए तो इसीलिए मैं ऐसा एक्शन कैमरा देख रहा हूँ जिसमें मुझे एटलीस्ट एक्सटर्नल माइक की फैसिलिटी मिले, और बाकी चल के देखते हैं कि हमारे नरेंद्र भाई हमें क्या सजेस्ट करते हैं
क्या सजेशन देते हैं और उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे कि हमें कौन सा एक्शन कैमरा लेना चाहिए। तो अभी वहीं पर पहुँचते हैं। ऑलराइट जी, तो जी अभी मैं आया था यहाँ पर पार्क में इवनिंग वाइब्स को फील करने के लिए, फ्रेश एयर को फील करने के लिए, और नरेंद्र भाई से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें एक्शन कैमरा के बारे में बता दिया है कि कौन सा अपने को लेना है, और हम लोगों ने जो हमारा रिसर्च था वो भी कंप्लीट कर लिया है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है हमारा नया एक्शन कैमरा। और आप लोगों को गेस करना है कि हम कौन सा एक्शन कैमरा लेने वाले हैं। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं नहीं इस फील्ड में। तो आप लोगों को मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एक्शन कैमरा है, इसके नाम के आगे 7, 8, 9, 10, 11 सीरीज लगती है। अब तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कौन सा हम एक्शन कैमरे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को गेस करना है एग्जैक्ट वेरिएंट जो हम लेने वाले हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा हम लोग एक्शन कैमरा लेने वाले हैं। हाँ जी, चैनल का नाम, चैनल का नाम है वेकअप व्लॉग्स। और ये मिले हैं, नाम क्या आपका? माही। हाँ, माही नया गांव। माही नया गांव, क्या बात है। कौन सी क्लास में? सेवन्थ है। क्या बात है। यूट्यूब देखते हो? हाँ जी। ठीक है, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है? हाँ जी। वेकअप व्लॉग्स, क्या नाम है? वेकअप व्लॉग्स। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। ओके, तुम व्लॉग में हो देखना, ठीक है। तो ये हमने एक नया सब्सक्राइबर गेन किया, छोटू सा क्यूट सा सब्सक्राइबर। तो अभी इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।